रोड देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ चंदकुरी राम भगवान का ननिहाल, और रोड की हालत देखिए कितनी घटिया है। इतनी घटिया है कि देखो इतना धूल हो रहा है, आप टू व्हीलर पे तो यहाँ पे सफर कर ही नहीं सकते। गाइस मैं पहुँच गई फाइनली चंदकुरी, जय श्री राम। तो गाइस देखिए माता कौशल्या धाम मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे पहले ये सब कुछ नहीं था, अभी बहुत सारे यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल वगैरह लगे हैं। ये देखिए ये हमारे देश का तिरंगा झंडा है। चलिए बंदर चलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप अपने जूता चप्पल वगैरह रखने के स्टैंड बने हैं, यहाँ पे आपको अपना जूता चप्पल निकालना है। और ये देखो हमारे प्रभु श्री राम यहाँ का द्वार। चलिए बंदर चलते हैं, रात में बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है। अभी मैं सुबह आई हूँ तो लाइटिंग वगैरह आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। बैठने वगैरह की भी सुविधा बहुत अच्छी है। ये है यहाँ का तालाब, कितना सुंदर है। बहुत ही बड़े से जगह में बना हुआ है चंदकुरी, हर जगह मस्त जय श्री राम का झंडा वगैरह भी लगा है। यहाँ पूरी रात में एकदम सुंदर लाइटिंग होती है। चलिए अब मैं आपको कौशल्या माता के दर्शन कराऊंगी। और ये है यहाँ का रास्ता, यहाँ से जाते हैं। ये देखिए इधर भी तालाब है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर परिसर के उद्यान में आपको खाद्य सामग्री लाकर खाना मना है, खाने पीने का आप नहीं ला सकते मंदिर के अंदर। पहले यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं था, लेकिन अभी पूरा नियम बदल दिया है यहाँ का। पहले यहाँ पिकनिक वगैरह भी मना सकते थे, अब नहीं मनाने दिया जाता यहाँ पे। मंदिर को जूठा वगैरह नहीं करना है आपको। ऐसे ये देखिए कौशल्या माता राम भगवान को अपने गोद में ली हुई है। ये है मेन यहाँ का मंदिर कौशल्या माता। मैं अभी जो आपको दर्शन कराई वो थी कौशल्या माता, प्रभु श्री राम को गोद में लिए हुए हैं। चलिए मैं आपको आगे और दर्शन कराती हूँ। ये यहाँ का पूरा मंदिर अभी और अच्छे से बनने वाला है। वैसे काफ़ी अलग हो चुका है, पहले बहुत अलग था, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप अपना नारियल वगैरह चढ़ा सकते हो, ये दान पेटी है। इधर से यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्यालय है। इधर भी पूरे चारों तरफ तालाब ही तालाब है, और ये महादेव है। चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। ये है रामायण काल से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए राजा दशरथ, यहाँ पे पूरा जो राजसभा बोलते हैं ये सब यहाँ पे बना हुआ है, दरबार खड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ का समुद्र मंथन, धूप काफी तेज है गाइस, बहुत ज्यादा पैर वगैरह जल रहा है। देखिए ये है समुद्र मंथन। और यहाँ पे ना पूरी लाइटिंग होती है नाइट में, कभी टाइम मिले या मौका मिले तो मैं यहाँ नाइट का भी व्लॉग बनाऊंगी। ये देखिए समुद्र मंथन, यहाँ आप बैठ सकते हैं आराम से। पहले यहाँ पिकनिक वगैरह मनाने देते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें यहाँ बंद करते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी मात्रा में थोड़ा गंदगी कर देते थे इसलिए। महादेव का मूर्ति है महादेव। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे नियम का पालन करना है। पहले यहाँ पे अपने पहले लोग फोटो शूट के चक्कर में अपने बच्चे को गोद वगैरह में बैठा देते थे। ये है हमारे छत्तीसगढ़ का कौशल्या माता मंदिर ननिहाल राम भगवान का चंदकुरी, बहुत ही सुंदर है। बस धूप के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये यहाँ का पूरा व्यू है। मंदिर परिसर में कोई भी टाइम नहीं दिया गया, दोपहर में बंद वगैरह नहीं करते।
आज का ब्लॉग था मेरा इतना ही। छत्तीसगढ़ में जो मैं चंदकुरी है राम भगवान का ननिहाल, मैं उसका ब्लॉगिंग किया, जब लोगों को दर्शन कराए, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।